ताकि और 24-36 घंटे होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं इस बात का लाभ से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन खाकी चूमी खेसर ये जो रशियन अब टैक्टिक्स रशियन स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, रशियन स्ट्रेटजी है जो जो बॉर्डर टाउन है जिन पे उसको जिनको वो कंट्रोल कर सकता है अपने टाउन से, उन टाउन को वो पहले बिल्कुल काबू करेगा ताकि उसका नीचे साउथ में जो क्रीमिया जो जो बिल्कुल डॉनबास एरिए पर जो जहाँ से पानी रोका गया था कीव का, आपको पता है कीव ने जो डिसीजन लिया था जेलेंस्की ने, उन्होंने जो जो ये पूरा पानी रोक दिया क्रीमिया का, जब पानी रोक दिया तो लड़ाई का एक 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 बहाना भी नहीं चलता। ठीक है, लेकिन जो भी है जो आज युद्ध की परिस्थिति है उसका जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं हम दे रहे हैं? ये रूस जो इस वक्त कर रहा है पूरा विश्व उसे धिक्कार की नजर से देख रहा है। ये कीव की तस्वीरें देखिए, बीती रात एयर रेड सायरन रात भर बज रहे, इस तरह की दहशत और खौफ में लोग जी रहे होंगे हम, और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब हमें इतना हॉन्ट कर रहा है तो जोरों के साय में है, मिसाइलों की आवाजें सुन रहे हैं, धमाकों की आवाजें सुन रहे हैं। खार्किव की रात कैसी बीती होगी, वहां पर एक भारतीय छात्र का भी जंग वहां लड़ा जा रहा है, जख्म हमारे देश तक पहुंचा है, नवीन वहां पर पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, शरणार्थियों की जो निकल रहे हैं यूक्रेन से उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन पुरुष पीछे रह रहे, 20 से 50 साल के लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे वो निकल रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त आप वहां से बताएंगे? अंजना, ये बात सही है, कुछ भी अब तक 6,70,000 का आंकड़ा तो यूएन रिफ्यूजी काउंसिल की ओर से आया है, लेकिन उनका अनुमान ये भी है कि ये 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग भी हो सकते हैं। जहाँ तक खार्किव की बात है, बहुत सारे जो युद्ध का दायरा है वो सिर्फ खार्किव से लेकर कीव तक ही नहीं बल्कि मध्य से होते हुए कहीं ये पश्चिम की ओर आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि कीव में पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका था और ये भगदड़ का माहौल है। बहुत सारे लोग वॉलंटियरली रुकना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये भी लोग कह रहे हैं कि दरअसल वहाँ की जो यूक्रेन की जो डिफेंस फोर्स है, एक सिविल डिफेंस फोर्स बना दी गई है जिन्होंने हथियार उठाए, वो भी युवाओं को अब आगे नहीं आने दे रहे, वो उन्हें जाने ही नहीं देना चाहते। हमारी दो महिलाओं से बात हुई, वो टूटी फूटी भाषा में जो इतना समझा सकती थी वो ये कि वो अपनी माँ के साथ तो यहाँ पर आई, लेकिन उनके भाई, उनके पति और उनके पिता वो वापस वहीं कीव में ही रुक गए हैं, कीव के पास से जितने इलाके हैं। अब वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेज वो उनको रोक रही हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, आप यहाँ पर रुकिए। सबसे बड़ी समस्या ये भी है नहीं, और इसीलिए अब यहाँ से खासकर चाहे हंगरी और पोलैंड, इन दो देशों ने ट्रांसपोर्टेशन अपना ज्यादा बढ़ा दिया है बॉर्डर पर, क्योंकि जितनी सीमाएं हैं कल रात से वहां पर चौक है, और आप ये समझिए कि पिछले 5 दिनों में इन सीमाओं पर उतनी भीड़ नहीं देखी गई है जितनी हमें जानकारी मिली है कल रात से हुई है। थोड़ी देर में ऐसी विशेष ट्रेन से उसी सीमा इलाके पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वहां भी पहुंच सके, देख सके हालात क्या है। उससे कभी शांति नहीं मिली, उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि लाशों को काशी ले जाएंगे, उनसे पैसे लेकर उन लाशों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता था।